हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक IQ Z7 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको ऑटो करेक्शन को बंद कर देना है, अगर आपके कीबोर्ड में ऑटो करेक्शन हो रहा है गाइस, कुछ भी आप लोग टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है कुछ दूसरा टाइप हो जा रहा है करेक्शन होके। लेकिन अगर आपको जो करेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, जो आप लोग टाइप करेंगे वही आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है, आपको जो ऑटोमेटिकली कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं करवाना है। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में ऑटो करेक्शन को बंद कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो करेक्शन को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। किसी भी सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होने के बाद कीबोर्ड में ही आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट करेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं शो सजेक्शन, अगर आपको सजेक्शन नहीं चाहिए तो इसको ऑफ़ कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक ऑफेंसिव वॉल्ट, इसको ऑफ़ कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट हो रहा है नहीं चाहिए आपको तो इसको ऑफ़ कर सकते हो। उसके नीचे देख से ऑटो करेक्शन का ऑप्शन है, इसको ऑफ़ कर दीजिए। उसके नीचे और भी ऑप्शन है, ऑटो स्पेस हो रहा है ऑटोमेटिकली स्पेस हो जा रहा है तो इसको बंद कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है तो इसको बंद कर सकते हो। डबल स्पेस ऑटोमेटिकली हो जा रहा है तो इसको भी बंद कर सकते हो। स्पेलिंग चेक हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसको बंद कर सकते हो। ग्रामर चेक हो रहा है तो इसको बंद कर सकते हो। इन सबको जो आप लोग अपने हिसाब से बंद कर दीजिए तो आपका ऑटो करेक्शन जो वो बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को बंद कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।